जो गर्म है ना वही निकालना भैया, ठंडे एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दुकान से ले लेंगे आगे से। हाँ ठीक है, ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ, रो मत ले रहा हूँ, ले 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 ले, ठीक है ले ले, ठीक है ना। क्या डिफरेंस इन दोनों में? दोनों में काम सेम है। हाँ काम सेम है, इसका कोई एडवांटेज है कवर का ऊपर नहीं कोई? क्या टेंशन मत करो, जल्दी बहू ले आएंगे आपके। दादी 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 हाथ दिला के बोलो, आज हम कहाँ जा रहे हैं? गाँव में। मैं दादी दादी बाबा को मजे सिखाऊंगा। मैं दादी बाबा को मजे सिखाऊंगा। सो फाइनली हमारी गाड़ी फुल हो चुकी है। इधर आरू की साइकिल आ गई, उधर सिलेंडर आ गया, और बाकी आरू गया उधर उसके दोस्त से बोलने के लिए कि मैं कुछ दिन के लिए गांव में जा रहा हूँ। और हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये दो तुलसी मैया हमारी, और ये विष्णु भगवान जी, और ये इधर महादेव जी हमारे, तो इनको यहाँ रख दिया हमने कुछ टाइम के लिए, ताकि दीदी इनमें पानी वगैरह डाल दिया करेगी, सूखेंगे नहीं है। तो हमारे पेड़ पौधा ख्याल रखना, ठीक है ना, अच्छे से बता दी मैंने, पहले बता दी हो। ओके महादेव जी बैठे वहाँ पे। चलो और सब्जी वाले सब बढ़िया, तभी ठीक है। चलो फाइनली आज चलते हैं हम गाँव में, अभी शाम को 6:45 बज रहे हैं। चल आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ भी, चले क्या हुआ, चले ना बेटा, घर पे चलेंगे बेटा अब तो यार। कितनी देर खेलोगे तुम? 5 मिनट खेल ले, ठीक है भाई। यार कितना दोस्तों से बोलने आए थे, हम घर पे जा रहे हैं। हाँ बेटा हाँ, अच्छा हेलो छोटू, बोल रहे 5 मिनट बाद आऊंगा मैं। भाई आरू किट्टू वहाँ पे बोलने गए थे कि हम दोस्तों से बोल के आते हैं, कुछ दिन बाद हम गांव से आ जाएंगे, तो इंतजार मत करना हमारा। बाकी खेलने लग गए, बोल रहे हैं पापा 5 मिनट और खेल लेते हैं हम। चलो हाँ गांव जा रहे हैं, आज छुट्टियाँ लगी बच्चों की। हाँ तो अपना ख्याल रखना, आ जाएंगे 2-4 दिन वापिस। चलो ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना। हैप्पी समर वेकेशन फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल, राम राम बोलेंगे। ओके मम्मी का राम राम बोलेंगे। आंटी ख्याल रखना थोड़ा, बढ़िया आंटी जी ख्याल रखना थोड़ा, फिर भी है ना। ओ बढ़िया, इस बार रिजल्ट आ जाए, नंबर नंबर आ जाएगा भैया का, टेंशन मत करो, जल्दी बहू ले आएंगे आपके। हाँ अरे भाई भाई, कितना टाइम नहीं तेरे पास? चल ठीक है भैया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यार पता है 4 दिन पहले मैं भूल गया था कि अब मैं आगे ब्लॉग बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, कि पता नहीं क्या होगा। कि यार कोई बात नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर चैनल पे आती है। मैंने कम से कम 20 वीडियोज देखे हैं, 20 यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, सबके चैनल पे स्ट्राइक आई है यार। बाकी यार मैं डर गया था एकदम, अब कैसे फेस करूंगा इस चीज को, पता नहीं क्या होगा। बाकी कोई बात नहीं यार, अगर परेशानी नहीं आएगी तो सिर्फ अपन को मंजिल को पाने में मजा कैसे आएगा यार। इट्स ओके, सब नॉर्मल है अभी, ये प्रॉब्लम है अभी कुछ टाइम बाद सॉल्व हो जाएगी मेरी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं। बाकी थोड़ा हिम्मत आ गया था मैं यार कब नहीं बनाऊंगा। बाकी मेन प्रॉब्लम बताऊं क्या हुई मेरे साथ में, कि मैं अकेला पड़ गया बिल्कुल यार। और जब मैं इसमें बात करता हूं, मोबाइल में वीडियो बनाता हूं, तो ऐसा लगता है मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। मैं मुझे पता नहीं कौन देख रहा मेरी वीडियो, कौन नहीं देख रहा, किसकी शक्ल कैसी है। बाकी यार एक कनेक्टिविटी हो चुकी है आपके साथ अब, और स्पेशल थैंक यू जिन जिनने मेरे मैसेज किया, मुझे सपोर्ट किया यार, मुझे मतलब दिलासा दिलाया एक तरह से, हिम्मत टूट गई थी मेरी। पता है रोया था मैं, अकेला बैठ के रोया था ऊपर जाके मैं, क्योंकि यार आपको ही पता है कि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। फाइनली सब ठीक हो गया, भगवान कृपा सब नॉर्मल होगा, कोई बात नहीं। छोटी मोटी प्रॉब्लम से मुझे तोड़ नहीं सकती, मुझे हिला नहीं सकती यार बिल्कुल भी, कि अपन को आगे तक जाना है, बहुत ऊपर जाना है अपन को, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने यार। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे हैं मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ। चलो आज गांव में जा रहे हैं फाइनली, कुछ टाइम के लिए गांव में रहेंगे, उसके बाद में फिर गांव में से वापस आके कोटा मिलेंगे। तो गांव के ब्लॉग देखना मत भूलना, कि बहुत मज़ेदार ब्लॉग बनाऊंगा गांव में जाने के बाद में, गांव की लाइफ स्टाइल, गाँव में कैसे रहते हैं, दूध पानी निकालना, गाय भैंसें सबके साथ, एक गाँव वाली लाइफ जीने इस बार अपन, ठीक है ना। तो कुछ मार्केट सामान वगैरह लेना है, उसके बाद अपन सीधा गाँव में मिलेंगे, ठीक है ना। बोल रहे तू
मुर्गी चाहिए चिकन खिलाने के लिए। किसको खिलाएगा चिकन तू? आरू बोल रहे पापा मुझे मुर्गी चाहिए चिकन खिलाने के लिए। तो चिकन किसको खिलाएगा तू? मुर्गी को चिकन खिलाऊंगा मैं। अच्छे वाले दिखाना यार। क्या कर रहे हो तुम? भैया से बातें कर रहे हो? भैया हम ले रहे हैं यहाँ से फ्रिज के लिए बोतलें, हमारे शानदार बोतल है ना। कितना अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल भेज देना, मैं तो ऑटो से माल रवाना कर दूंगा आपका, जो भी कुछ चाहिए भेज दूंगा कल इनके शाम तक पहुँच। भैया क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों में काम सेम है। हाँ काम सेम है भाई। इसमें तो कवर है ना ऊपर यार, ये इसका कोई एडवांटेज है कवर का ऊपर? ये क्या है? ठीक है ये भी ले लेंगे। ठीक है मेरी बात सुन, तुम्हें जो लेना है ना इकट्ठे करके रख लो एक जगह तुम, ठीक है? भाई कहीं दुकान में जाते इतना मजा आता ना यार, सब चीज़ें देखते रहते हैं। पापा ये लेंगे ये लेंगे, ठीक है सब ले लेंगे, ठीक है बेटा ओके। भाई हम ले रहे हैं अभी जूसर ग्राइंडर, ये वाला नहीं लिया हमने, लिया दूसरा वाला ये और पेट का, ताकि जूस या दही वही को लेना तो डायरेक्ट मिक्सी में डालना नहीं पड़े हमको, सीधा जो भी भगोना वगैरह जो भी उसमें डाल के इसमें यूँ बन जाएगा। मैं कम्प्लीट पैक ही काटना पड़ेगा 10x10 के ना? ओके दे दो। हम ग्रीन नेट भी ले रहे हैं, इसको घर पे कहाँ लगाएंगे जाने के बाद ब्लॉग बनाओ उसमें देख लेना आप। लेंगे यार, अरे दुकान से ले लेंगे आगे से। हाँ ठीक है ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ, रो मत ले रहा हूँ। कौन सी लेनी बता मेरे को? हाँ पेपर बोर्ड, ठीक है भैया। ठंडी वाली है पेपर बोर्ड? अरे ठंडा कुछ भी नहीं। हाँ बेटा बेटा सब गर्म है, ठंडा कुछ भी नहीं इनमें। चल ले 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 ले, ठीक है ले ले, ठीक है ना। आपकी चाबी सर? मेरी भाई मेरी, हो जो गर्म है ना वही निकालना भैया, ठंडा एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ मुझे हाथ लगा लगा बता देना, उसको पैक करना, ठीक है। क्या हुआ? क्या खाया तूने सर? कम खाता ना, ज्यादा क्यों खाया भाई? भाई यार दो समोसे खा गया, चरका मरेगा सही, ठीक है ना। आरू मजा आ गया ना आज, कितना खुश है तू? अब तो ठीक है यार। भाई आरू दो समोसे खा गया तो बोल रहा है चरका मर गया, बहुत तीखा था समोसा। डीजल डलवाते हैं उसके बाद सीधा घर पे मिलते हैं। पापा दो तीन बार फोन आ गया। आ गया मजा। दादी दादी दादी, चलो भाई फाइनली हम आ गए हमारे गांव में, हमारे पापा मम्मी दादी बाबा के पास में। आरू अपना नया मुन्नी आ गया बेटा, देख भाई हमारे नई मुन्नी आई है बेटा, उसके पास मजा मारी गई। ये कितनी छोटी है बेटा, कितनी छोटी सी बच्ची है हमारी ये। चलो कल इसका दूध निकालेंगे हम, तो आने वाले ब्लॉग देखना भी, इसमें मजा आने वाला है बहुत। अरे दो मुन्नी आ गया मजा, आ गया ना मजा। ये तेरी स्ट्रिंग का मुझे पिला, मुझे भी पिला बेटा। चलो फाइनली हम छोटा मतलब घर पे 5:30 निकले थे, तो घर पे आते थे 9 बज गया हमें, कि घर पे आने में 1 घंटा लगता है बेटा। आ रहा हूँ मैं ना मार्केट में, गए वहाँ पे बहुत सारे सामान लिए, उसमें टाइम लगे। मार्केट कोटा में इतनी ज़्यादा भीड़ थी हुई थी, पूरा ट्रैफिक जाम होता था जगह, तो फाइनल घर पे आ गए हम। तो ये है हमारी मातृश्री। चलो मम्मी क्या हाल है? बढ़िया भाई, आने वाले ब्लॉग सारे देखना, ठीक है ना मम्मी?
और आने वाली जो परेशानी आई थी भाई उससे मम्मी दी दुखो नहीं हुई जो ना भाई मम्मी पापा सब उम्मीद है बहुत ज्यादा मेरे से हमारा बेटा नाम करेगा यूट्यूब पर बहुत बड़ा वाला तो उधर मैं और रोया था मम्मी पापा से बाद में बताया था मैंने कि ये प्रॉब्लम होगी तो मम्मी ने बोला ऐसा क्यों किया तूने क्या नहीं किया तो चलो खाना वाना खाएंगे अब समोसे लाए समोसे खाएगी पापा मम्मी तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आएंगे डेली यार तो घर के लिए बताऊंगा मैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे जो भी जितना पॉसिबल हो उतना रिकॉर्ड करूंगा अच्छा वाला अपना ऐसे नहीं चल रहा उधर से बंद हो रहा है अपना तो मैंने किया था ना वो जाके चालू कर ले चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक अपना ख्याल रखो अपने साथ अपने माँ बाप का ख्याल रखो और वही अपन लंबी रेस खेलेंगे यार इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे छोटी मोटी परेशानियाँ मैं हिला नहीं सकती आपका प्यार आपका सपोर्ट है मेरे साथ स्पेशली थैंक यू फॉर जिन जिन ने मेरे साथ कमेंट किया मेरे को मेरे दुख को बांटा आपने जिन्होंने ऐसे बुरे वक्त में कमेंट कर करके मुझे सांत्वना दी तो उससे बहुत हौसला मिला मेरे को यार वरना देख सकते थे लास्ट व्लॉग में रो रहा था मैं तो धन्यवाद यार आप सभी का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं बाकी फिर भी थैंक यू वेरी मच आपने साथ दिया पता लगा मुझे कौन कौन मेरे साथ था और कौन कौन नहीं था क्योंकि बहुत सारे थे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा खुशी हुई होगी शायद यार बाकी थैंक यू वेरी मच चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब तक अपना ख्याल रखो अपने साथ अपने माँ बाप का ख्याल रखो बाय।